माता पितो उपस्थानं माता पिता का प्रतिष्ठान करना, सेवा सत्कार करना, ये तं मंगलम उत्तमं, ये उत्तम। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। त्यानंतर पुष्प अर्पण केल्यानंतर इथे भिक्खू संघाचं स्वागत होईल। आपण एक एक उपासक आणि योग भिक्खू संघाचं पुष्कळ देऊ, त्या ठिकाणी भिक्खू संघाचं स्वागत करा। एक एक उपासक या पुष्प घ्या, पुष्प स्वागत
श्रद्धा पूर्वक इतला उपासक उपासिका आज पुण्यानुमोदनाच्या निमित्ताने काल पुण्यकर्म करत आहे. आपण सर्वांनी शांत बसावं. त्यानंतर बिलकुल सार या ठिकाणी डॉक्टर एसआर इंद्रव सजी महाथेरो या निमित्ताने आपल्या सर्वांना धर्मदेशना देणार आहेत. आपण सर्वांनी त्याची धर्मदेशना आता स्वागत प्रोग्राम दादा सर्वांनी आता बसायचं आपल्या आपल्या जगामध्ये. हॅलो सर्व उपासकांना थोडी सूचना आहे की आपण बौद्ध धर्मीय आहोत, शास्त्रीय गुरु आहोत आणि बौद्ध धर्मीय जे अनुयायी असतात ते शांत असतात तेव्हा आपण सुद्धा शांतता बाळगावी हे मला सर्वांनी साधू कार्यक्रम अंतिम टप्प्यावर आलेला आहे तेव्हा या ठिकाणी दोन प्रवचन होतील. तेव्हा सर्वप्रथम या ठिकाणी आपण पाहतो की डॉक्टर बलवंत इंद्रवंशी महास्तवी यांचं या ठिकाणी प्रवचन होणार आहे. तेव्हा या प्रवचनाला आपण शांतता बाळगावी. जेवढे आपण शांतता बाळगायला तेवढे मात्र आपल्याला हे प्रवचन समजून घेईल. आपण जर अशा प्रकारे अपरसुखमध्ये बोलू लागला किंवा अशा प्रकारे काही करू लागला तर आपल्याला काही समजणार नाही काय चाललंय ते. आणि म्हणून मला एकदा साधू साधू या ठिकाणी मी आपल्यातर्फे आणि आपल्या सर्वांच्या वतीनं या ठिकाणी डॉक्टर भदंत इंद्रवरजी महास्कवी यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला धर्मदेशना देऊन उपकृत करावं असे मी भक्तिजीना माझ्यातर्फे आणि आपल्यातर्फे पुन्हा विनंती करतो की त्यांनी पुढील धर्मदेशना देऊन आम्हाला उपकृत करावं असं भक्तिजीला मी विनंती करतो. सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु. माता पितो उपत्थानं उत्तदारस संगहो येतं मंगलमोत्तमं माता यतानि अंबुतं आयुषा ये कबोत्तमनुरागे एवं
संभावय अपरिमानं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ, पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर भिक्खु एम सत्यपाल महाथेरो बंते जी, पूजनीय भिक्खु रोहन थेरो बंते जी, पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्खु यशो दीप तमानंद बोधिरत्न सुगतानंद सचित संगानंद विनयशील विपस्सी दीपंकर और गुरु धम्मो पंते प्रमुख संपूर्ण पूजनीय भिक्खु संघ सामनेगण और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः पूजनीय भिक्खु संगानंद के माता जी आनंद बाई उपासिका के पुण्य स्मरण में ये कार्यक्रम हो रहा है। पुण्यवान है वो माता जी जिन्होंने ऐसा पुत्र जन्म दिया कि जिंदगी भर आजीवन चीवर में रह के बुद्ध शासनिक कार्य कर रहे हैं। कहते हैं कोई माता पिता अपने पुत्र को बुद्ध शासन में दान देते हैं तो कहते हैं 7 जन्मों तक तो दुर्गति जाने का नाम ही नहीं, मतलब इतना ज्यादा पुण्य होता है। एक प्रसंग में ऐसा भी कहते हैं भिक्षु में दुस्सिल से दुस्सिल और उपासक उपासिकाओं में सीलवान से सीलवान फिर भी समान नहीं होता, गुण धम्म से एक भिक्षु महान ही रहता है। तो इतने मतलब गुणवान सीलवान भंते और वो भी अपना पुत्र हो दान दिया तो कितना ज्यादा पुण्य है। हम वो पुण्य के लिए बहुत सारे दान देते हैं, वस्तु दान देते हैं, पैसा दान देते हैं, अस्त्र परिष्कार दान देते हैं, अनेक अनेक दान देते हैं, मगर अपना जिगर का टुकड़ा है ना, अपना पुत्र बुद्ध शासन में दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। यहाँ देखो बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं, यही नहीं पूरे जगह पे बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं जो भंते को नतमस्तक होके वंदना करेंगे, अनेक तरह से दान देंगे, शील प्रार्थना करेंगे, अनेक आदर गौरव करेंगे, मगर जब बारी आता है अपने बच्चे बुद्ध शासन में दान देना तो सभी जन नक्को मानते नहीं मानते, ऐसा समझते कि अपने बच्चे को जैसे कि भिखारी बनाने के लिए दान दिया जैसा, खुद भंते को खूब सत्कार पूर्वक गौरव पूर्वक वंदना करते हैं, मगर अपने बच्चे देना पड़े तो समझ लीजिए ये कितना बड़ा दान है। तो आनंद बाई उपासिका इतना पुण्यवान है जिन्होंने अपने पुत्र को बुद्ध शासन में त्याग किया और वो भी अपने माता के गुण को याद करते हुए स्मरण करते हुए, माता जी गुजरे बहुत साल हो गया, इसके बाद भी हर साल ये 10 सितंबर को वो भंते जी पूजनीय भिक्खु संघ को बुला के ये संगदान कार्यक्रम ये कार्यक्रम करते ही है। हाँ तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 उपपारमिता पूर्ण किया, 10 परमार्थ पारमिता पूर्ण किया, अंतिम समय में बुद्ध बनने के लिए लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में जन्म हुआ,
वो बाद में सम्यक संबुद्ध भी बने। सम्यक संबुद्ध बनने के बाद भी, सारे दुखों से मुक्त होने के बाद, निर्वाण होने के बाद भी मेरे ऊपर माता की गुण है, मातृ गुण है जिससे मुझे मुक्त होना है। इस संकल्प से सबसे पहले जो महाप्रजापति गौतमी, जो माँ के बाद माँ बन के संपूर्ण पालन पोषण किया, वो माता जी को बुद्ध शासन में दीक्षित किया और बाद में भिक्षुनी भी बने। पूरा भिक्षुनी शासन में पहला वो भिक्षुनी प्रजापति गौतमी से यहाँ भिक्षुनी शासन का शुरुआत हुआ। और जो उनको जन्म देके सातवें दिन में जो गुजर गए, उनके माता महामाया देवी, हाँ माता महामाया देवी दिवंगत होके त्रैतींस देवलोक में वहाँ उत्पन्न होके बैठे, उसके बावजूद भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध बन के सातवें वर्षावास में, वर्षावास 3 महीना वो माता महामाया देवी के पास जाके विशेष प्रकार के उपदेश देते हैं, कहते हैं वो विशेष प्रकार के उपदेश अभिधम्म का उपदेश। तो 3 महीना उपदेश देके उनको दुख मुक्ति का दर्शन देते हैं और अपने मातृगुण से मुक्त होते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं माता पितु उपत्थानं, अपने माता पिता का प्रतिष्ठान करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, सेवा सत्कार करना चाहिए। ये तं मंगलमुत्तमं, ये उत्तम मंगल है, माता पिता की सेवा करना ये मंगल है। पुत्र दारस संग हो, अपने परिवार का उपस्थान करना, हाँ पालन पोषण करना ये भी मंगल है। अनाकुलाच कम्मन्ता, ऐसा कम्म ना करो, ऐसे काम मत करो जो खुद को बेचैनी करेगा, खुद को एकदम शोक संताप से पीड़ित करेगा, ऐसे काम मत करो। ये तं मंगलम उत्तमं, तथागत बुद्ध महामंगल सूत्र में कहते हैं ये उत्तम मंगल है। तो माता पिता का सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। तथागत बुद्ध कहते हैं ब्रह्माति माता पितरो, माता पिता ब्रह्म समान है। वो ब्रह्म जिसका 4 चेहरा रहता है, वो 4 चेहरा का मतलब क्या है? असीम मैत्री, असीम करुणा, असीम मुदिता, असीम उपेक्षा। मैत्री सबका मंगल हो, कल्याण हो। करुणा हमेशा उसको वो दुख शोक संताप से कैसे मुक्त करूं वो हमेशा तैयार रहना। मुदिता ये उसके सुख में भी खुद को बहुत प्रसन्नता महसूस करना। और उपेक्षा उसने हमें अच्छा भी नहीं किया तो भी उसका कल्याण हो करके तटस्थ बैठना। ऐसे असीम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा माता पिता के मन में हमेशा अपने पुत्र के प्रति रहता है। दूसरों के प्रति करना आसान नहीं है, मगर तथागत बुद्ध में हमेशा ये असीम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सबके ऊपर रहता है। खुद के पुत्र राहुल कुमार के प्रति भी इतना ही मैत्री करुणा, और मांगने के लिए आने वाले देवदत्त के प्रति भी उतना ही मैत्री करुणा। तो ऐसे ब्रह्म विहार, ब्रह्म में 4 प्रकार के असीम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा निरंतर रहता है। और वो माता पिता में अपने संतान के प्रति हमेशा रहता है, इसलिए माता पिता ब्रह्म समान है। अब ब्रह्म बोले तो सारा देवलोक से भी ऊपर ब्रह्मलोक, तो बहुत बड़ा। तो वो ब्रह्म को हम देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं, पर अपने माता पिता हमारे सामने है, हम देख सकते हैं, हम आदर सत्कार कर सकते हैं, हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो माता पिता की सेवा करना भी बहुत बड़ा पुण्य है, इसलिए ऐसे ब्रह्म समान माता पिता की पालन पोषण करना,
हाँ, जब तक माता पिता नहीं बनेंगे उसके पहले माता पिता का क्या है पता नहीं चलता। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए, यहाँ देखो वो छोटे बच्चे हाँ जो आराम से बैठे हैं, न उसको खाना पसंद है न कुछ पसंद है, यहाँ वहाँ गया तो गिरेंगे, हाथ पैर टूटेंगे, सर फूटेंगे, ये भी पता नहीं, इधर उधर उसको भी संभाल संभाल के समय पे खिला पिला के कितना संभालते। और इतना ही क्या, वो बच्चे को क्या पता मुझे सुसु आया छिछी आया बोलेंगे क्या, मतलब टॉयलेट क्यों जाना आई ऐसा बोलेंगे क्या, नहीं, वहीं पे जहां बिठा दिया वहीं, जहां लिटा दिया वहीं सुसु करेंगे छिछी करेंगे। वो छिछी कितना गंदा रहता ना, फिर भी उसके आई जैसे कि दाल हो आराम से साफ करते हैं, वो गंदगी ना लगे, वो सुगंध वहां पे रखते है, इतना संभाल संभाल के वो खाना ना भी खाए तो समय समय पे उसको खिलाना है, मुंह मुंह तक ले जाके इतना उसको बड़ा करते हैं, हाँ अपने बच्चे इतना। तो ऐसे माता पिता की जीवन भर सेवा करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए, जो भी माता पिता का काम है जो भी हम कर सकते हैं वो करके देना चाहिए, माता पिता की जीवन भर एक सहारा बनना चाहिए, बनना ही चाहिए हर संतान को। और तथागत बुद्ध एक समय ऐसा भी कहते हैं, माता पिता के गुण इतना महान रहता है, इतना ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा रहता है, एक कंधे पे माता एक कंधे पे पिताजी को उठा के पूरा दुनिया घूम रहे है, पूरा दुनिया घुमा रहे तो भी माता पिता के गुण से मुक्त नहीं होता। और उतना ही क्या, माता पिता कंधे पे ही खा रहे, कंधे पे ही पी रहे और कंधे पे ही छिछी कर रहे, सुसु कर रहे, वो साफ करते करते भी पूरा दुनिया घुमाएंगे तो भी माता पिता के गुण से मुक्त नहीं हो सकते। तो माता पिता के गुण से मुक्त होना है तो माता पिता को अच्छे धर्म पे स्थापित करो। अगर वो अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि में है तो अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि से मुक्त करो और सही धर्म में आगे बढ़ाओ तो ही माता पिता के गुण से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए जीवन भर माता पिता का सेवा करना ये बहुत बड़ा मंगल है। और ये तो जीते जी की बात हो गया, अब मरण के बाद क्या, मरने के बाद कुछ भी नहीं करना क्या, नहीं, वो माता वो पिता जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन दिया, ऐसे माता पिता को मरण के बाद भी समय समय पर याद करते हुए उनके नाम पे पुण्य करना चाहिए, उनके नाम पे धम्म करना चाहिए और वो पुण्य धम्म द्वारा उनको सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, ऐसा पुण्यानुमोदन कार्यक्रम करते रहना चाहिए। मतलब माता पिता को जीवन भर सेवा सत्कार करना, साथ देना, बुढ़ापे का लाठी बनना, ये तो है ही, मरण के बाद भी उनके नाम पे खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए पुण्यानुमोदन करते रहना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए माता पितु उपस्थान, माता पिता का प्रतिष्ठान करना, सेवा सत्कार करना, ये तंग मंगलम उत्तमं, ये उत्तम मंगल है, महामंगल सूत्र में कहते हैं तथागत बुद्ध। ये मैत्री सूत्र में भी कहते हैं, माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्रं अनुरक्षे, जैसे एक माता पिता के एकलौता औलाद है, एकलौता वो भी पुत्र है, एक ही संतान है वो भी पुत्र है, कितना संभालते हैं उसको, कितना लाड प्यार से रखते हैं, हर तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय उसको टच भी न करे, इतना संभाल के रखते हैं। वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह माता पिता एकलौते पुत्र का संभालते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं, उसके ऊपर मैत्री करुणा रखते हैं,
उसी तरह पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जो दिखता है जो नहीं दिखता है, जो छोटा है मध्यम है बड़ा है, हाँ, जो दृश्य है जो अदृश्य है, जो नजदीक है या बीच में है या बहुत दूर है, जो भी प्राणी, चाहे पानी में रहने वाले, चाहे जमीन में रहने वाले, चाहे आकाश में रहने वाले, सारे प्राणियों को मंगल हो, कल्याण हो, सुख हो, ऐसा मैत्री करुणा करना चाहिए। माता पिता का उदाहरण देते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं, माता पिता अपने बच्चे के ऊपर जितना मैत्री करुणा रखते हैं, और वो भी ज्यादा बच्चे नहीं, एक लौता बच्चा हो, वो भी पुत्र हो, उसके प्रति कितना मैत्री करुणा रखते हैं, ऐसे ही सारे दुनिया के प्राणियों के प्रति मैत्री करुणा रखना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, माता पिता के गुण अपरंपार रहता है। आज के समय में, आज के यंग जनरेशन को, बहुत सारे लोगों को माता पिता का पहलू ही नहीं रहता, माता पिता का कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं रहता। बहुत सारे लोग तो कहते हैं, तुम लोगों ने जन्म दिया है ना, अब करो हमारा, ये पढ़ाई करो, हाँ ये पढ़ाओ, ये खर्चा दो, ये करो वो करो, डायरेक्ट ही बोलते हाँ। माता पिता का जैसे वो बच्चा पैदा करना गुनाह हो गया जैसा ही, हाँ ऐसे भी व्यवहार करते हैं। अरे ये दुर्लभ जीवन प्राप्त होना कितना मुश्किल है, और वो ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन भी गांव में, जंगल में, पहाड़ों में नहीं, ऐसे जगह पे जहाँ सर्व सुविधा संपन्न हो, कितना दुर्लभ है। उसमें भी अंग प्रत्यंग परिपूर्ण होके जन्म होना कितना दुर्लभ है, और सबसे ज्यादा ऐसे जगह पे, ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में जन्म होना जहाँ बुद्ध धम्म संघ को जानते हो, जहाँ बुद्ध धम्म संघ को मानते हो, जहाँ बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके वो धम्म का अभ्यास भी करते हो, ऐसे परिवार, ऐसे कुल में जन्म होना कितना 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 दुर्लभ है। इतना दुर्लभ जीवन मिलने के बावजूद भी ऐसे समय पे जन्म हुआ जहाँ धम्म ही नहीं है तो क्या करेंगे। ऐसे समय पर जहाँ बुद्ध है, बुद्ध का शासन है, बुद्ध का धम्म है, ऐसे समय पर जन्म होना बहुत बड़ा दुर्लभ है, बहुत बड़ा पुण्य है। तो ऐसे समय पर हम जन्म हुए हैं, वो भी माता पिता निमित्त से। माता पिता नहीं रहता तो हमारा ये दुर्लभ जीवन संभव नहीं होता। इसलिए माता पिता का गुण जब तक जीवन है तब तक भी हमें वो गुण को मानना चाहिए, और मरण के बाद भी उनके नाम पे पुण्यानुमोदन करते रहना चाहिए। माता पिता को हर तरह से मिथ्या दृष्टि, अंधविश्वास से दूर रखना चाहिए। वो तथागत बुद्ध ने भी किया, और तथागत बुद्ध के एक अग्र श्रावक है सारिपुत्र, जो प्रज्ञा में एतदग प्राप्त। ये सारिपुत्र मौद्गल्यान एक ही समय में वो गृह त्याग किया, एक ही समय में भगवान बुद्ध के पास आके भिक्षु बने। हाँ वो दोनों, एक तो रिद्धि शक्ति में एतदग, एक प्रज्ञा में एतदग प्राप्त, अग्रस्थान प्राप्त करके भगवान बुद्ध के राइट हैंड लेफ्ट हैंड समान सारिपुत्र मौद्गल्यान बनते। उसमें से सारिपुत्र बनते, जब उनको पता चला अब उम्र हो गया है, अब अंतिम समय आ गया है, तो मुझे भी परिनिर्वाण करना चाहिए, मतलब मुझे भी ये शरीर छोड़ना चाहिए, तो भगवान बुद्ध से मतलब प्रार्थना करके, भगवान मैं परिनिर्वाण होना चाहता हूँ, और मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ वहीं पे जाना चाहता हूँ, मेरी माँ के लिए जाना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध के अनुमति लेके वो गए अपने गाँव में, राजगृह नगर के नज़दीक, हाँ जो गाँव है वहाँ पे गए। अब उसका माता सारी ब्राह्मणी, जो कट्टर है, हाँ अपने धम्म में कट्टर है, और ये बुद्ध को, धम्म को, संघ को बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते, अपने पुत्र भिक्षु बन के गए, ये भी उनको जिंदगी भर पसंद नहीं आए, इसलिए बहुत मिथ्या दृष्टि बन के, बहुत अंधविश्वास
विश्वासी होके रह रहे थे। गए सारिपुत्र बनते अपने घर में, अपने घर में गए तो उनके माता जी को भी लगा, देखो जब तक जवानी है यहाँ वहाँ घूमता रहा फिरता रहा, अब मरण के समय में या बुढ़ापे में अपने घर में आ गए करके उनको लगा मैं जहाँ हूँ जो विश्वास करता हूँ वही ठीक है। तो सारिपुत्र बनते जी कहते हैं, माता जी मैं कहाँ पे जन्म हुआ था? हाँ वो कमरे में, ठीक है मैं आज वहीं रुकता हूँ। वहाँ रुके, माता जी का जो अंधविश्वास मतलब जो वो पंते बन के गए वो भी पसंद नहीं आए, और ये बुढ़ापे में आए करके ऐसा लग रहा था। रात के समय में वो सारिपुत्र बनते अभी परिनिर्वाण होने वाले हैं, एक बार परिनिर्वाण हो गया तो वो तो दोबारा कहीं जन्म होने वाला नहीं है, तो अंतिम दर्शन के लिए वहाँ बहुत सारे देवता लोग और बहुत सारे ब्रह्म लोग भी आके वहाँ मिलने के लिए आए। अब जब जब देवलोक से देवता आते पूरा प्रकाशमान होता था, तो वो ब्राह्मण ही ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना। और सुबह होते होते अपने पुत्र से पूछने के लिए जाते हैं कि ये क्या है, तो कहते हैं अब मैं मरने वाला हूँ, मेरा परिनिर्वाण होने वाला है, तो ऐसे देवता मिलने आए, फिर ऐसे ब्रह्म मिलने आए। अरे बाप रे, ब्रह्मा के मेरे पुत्र को नमस्कार कर रहे, हम जिंदगी भर सबसे बड़ा तो वही है करके उसका उपासना करते रहे, वो भी आके मेरे पुत्र को नमस्कार कर रहे, मेरे पुत्र कितना बड़ा, कितना बड़ा। फिर ऐसे समय में पुत्र के प्रति थोड़ा मन नम्र होता है, तो उस समय तक वो सारे पुत्र बनते ने अपने माताजी को धम्म के विषय में, बुद्ध के विषय में अच्छे से बता के बुद्ध धम्म संघ का उपासिका बनाते हैं, फिर जाके वो परिनिर्वाण होते हैं। मतलब मरते मरते भी सारिपुत्र बनते परिनिर्वाण होते होते भी अपने माता को ये बुद्ध धम्म संघ में प्रतिष्ठित करा के गए। अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि से दूर करके जो सही धम्म है, सही आचरण है, सही अभ्यास है, उसका ज्ञान दे के गए। तो इस तरह बड़े बड़े अरहंत बनते लोग भी अपने माता पिता के ये गुण स्मरण करते हैं। और जैसे हम भिक्षु जीवन जी रहे हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं माता पिता अगर बुढ़ापे में अशक्त रहा, कहीं से भी सहारा नहीं रहा और उनके खाने पीने को भी समस्या हो गया, तो बुद्ध कहते हैं एक भिक्षु अपने पात्र में जो भिक्षा तन करके जो आते हैं ना, उसमें से माता पिता को पालन पोषण कर सकते हैं। मतलब माता पिता इतना बड़ा है, इतना गुणवान है, इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में माता पिता जब तक रहे तब तक हर तरह से हमें सेवा करना चाहिए, हर तरह से सम्मान करना चाहिए, आज्ञाकारी बनना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, उसके जो भी काम है जो भी हम कर सकते हैं वो करके देना चाहिए। जीवन है तब तक खाना रहना कपड़ा अनेक तरह से सेवा करना, और मरने के बाद भी उनके नाम पे अनेक तरह से पुण्य करके पुण्यानुमोदन करते रहना चाहिए। माता पिता के गुण अपरंपार है। तो ये बात को याद करते हुए हमें भी अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, साथ देना चाहिए जीवन पर्यंत। जैसे हम बच्चे हैं, बच्चे थे कुछ भी नहीं जानते, हाथ पैरों में कोई ताकत नहीं था, माता पिता बहुत अच्छे से संभालते हैं। बुढ़ापे में जब अपने माता पिता उसी तरह शक्तिहीन हो जाएंगे तब हमें वैसे ही संभालना है, वैसे ही सेवा करना है। योगिलानं उपत्थाति सोमं उपत्थाति, बुद्ध कहते हैं जो बीमारियों का जो अशक्तों का सेवा करते हैं वो मेरा अर्थात बुद्ध का सेवा करना समान है। तो इसलिए
बुद्ध का सेवा करना समान है। ये बात को ध्यान में रखते हुए माता पिता का गुण अपरंपार है, ये ध्यान में रखते हुए माता पिता को जीवन भर साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, हमेशा माता पिता को अपने सर पे बिठा के रखना चाहिए, ये माता पिता के गुण धम्मा। तो उपासक उपासिकाएं हम भी माता पिता को याद करते हुए जीवन भर सेवा कीजिए, मरण के बाद भी पुण्यानुमोदन करते रहिए और ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार पूजनीय भिक्षु यह संगानंद के माता जी आनंदबाई उपासिका को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो और ये संगानंद बंदे भी बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर ऐसे ही काम करते करते आगे बढ़ सके। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद रहे और उनको साथ देने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में भी बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सप्प मंगलं। अभी पूजनीय पंते प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरु पंते जी धम्म देशना देंगे, सभी जन शांत पूर्वक धम्म देशना सुनिए। धम्मो तिलोक शरणो परमो रसानं, धम्मो महद्धरतनो रतने सुलोके, धम्मो हवेति भव दुःख विनाश हेतु, धम्मं समाचरथ जागरिकानु युक्ता। संपूर्ण जगाला चन्य अनित्य अनात्म आणि दुःख याचा सिद्धांत सांगितला महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांचा आज आपण या ठिकाणी पुण्यानुमोदन विधी संपन्न करत आहोत, अशा स्मृतिशेष आनंदाबाई भीमराव सरोदे आई, तिच्या बंते संघानंद त्यांच्या मातोश्री होत्या, त्यांनी या पुण्यानुमोदन विधीच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं। या कार्यक्रमामध्ये ज्यांनी आत्ताच आपल्याला प्रदीर्घ अशी धम्मदेशना दिली, आईवडिलांची सेवा किती महत्वाची आहे या विषयावरती असे आदरणीय डॉक्टर एस आर इंदवंशजी महासवीर, या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आदरणीय भिक्खू रोहन थेरो बद्दे अनिरुद्धजी थेरो, भिक्खू यशोदीपजी, भिक्खू धम्मानंद, भिक्खू बोधिरत्न, भिक्खू सुगतानंद, भिक्खू सच्चिद्ध बोधी
आणि भिक्खू विनयशीलजी आणि संपूर्ण भिक्खू संघ, येथील सर्व महिला मंडळ, सर्व श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिका, बाल तथा बालिका, हा काळ तसा वर्षावासाचा आहे आणि वर्षावासाच्या काळामध्ये आपण धम्माचरण करणं गरजेचं आहे. विहारामध्ये जे लोक येतात ते निश्चितच धम्माचरण करत असतात, परंतु अवतीभोवतीचं वातावरण आज आपण पाहिलं तर बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला 14 ऑक्टोबर 1956 बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली आणि बुद्ध धम्माची दीक्षा दिल्याबरोबर देतानाच आपल्याला 22 प्रतिज्ञा दिलेल्या आहेत. त्या 22 प्रतिज्ञांचा विसर मात्र आपण होऊ देता कामा नये. आताचा काळ आपल्याला माहिती आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला प्रतिज्ञा देताना 3री प्रतिज्ञा दिली होती, मी गौरी गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देवदेवतेस मानणार नाही किंवा त्यांची पूजा अर्चा करणार नाही. ही प्रतिज्ञा बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला 14 ऑक्टोबर 1956 दिली होती आणि म्हणून आपण आपल्या मुलावरती, आपल्या परिवारावरती, आजूबाजूला असलेल्या उपासक उपासिकांवरती किंवा आपल्या परिवारावरती या प्रतिज्ञेच्या विसंगत किंवा विरुद्ध वर्तन आपण करू नये. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे आपल्याला हा महान असा धम्म मिळाला. चांगले जे काही सोन्याचे दिवस आपल्याला आलेले आहेत वाट्याला, चांगलं राहायला, खायला, कपडे लत्ते घालायला, सुंदर अशा घरामध्ये राहायला, आपल्या मुलाला डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, प्राध्यापक जे काय बनलेलं आहोत आज ते बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्याईनं बनलेले आहोत आणि म्हणून याचा विसर कधीही आपल्या जीवनामध्ये होऊ नये. मला वाटतं या कालामध्ये आपण या 22 प्रतिज्ञांचं पालन करणं अतिशय महत्वाचं आहे, जेणेकरून की आपलं कळत नकळत सुद्धा संस्कार हे जीवनाला घडवत असतात, बनवत असतात. एका ठिकाणी म्हटलेलं आहे की संस्कार आहे ना संस्कृती. थोडासा जरी संस्कार आपल्या मनावरती, आपल्या बालकावरती, बालिकेवरती पडला, चांगला संस्कार हा जीवनाला घडवत असतो, बनवत असतो. आणि जर एकदा का जर अंधश्रद्धेचा, भुवाबाजीचा, कर्मकांडाचा, रूढी परंपरेचा जर संस्कार पडला तर तो संस्कार आपल्याला रूढी परंपरेमध्ये घेऊन जातो, देव दैववादाकडे, ईश्वरवादाकडे, कर्मकांडाकडे घेऊन जातो आणि मग नको ते आपण आपल्या चित्तामध्ये, मनामध्ये येतं आणि मग आपल्या हातून धम्माच्या विरुद्ध विसंगत वर्तन होते. आणि म्हणून धम्माच्या विरुद्ध विसंगत असं कोणतंही कर्म आपल्या हातून होऊ नये यासाठी आपण वर्षावासाच्या कालावधीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञांचं पालन केलं पाहिजे. आज भक्ते संघानंद यांच्या मातोश्रीचं पुण्यानुमोदन विधी आहे. जीवन अनित्य आहे, जीवन नश्वर आहे, मरण धर्मी आहे. जिथे जन्म आहे तिथे मृत्यू आहे, जिथे येणं आहे जाणं आहे, हा हेही आपण ध्यानामध्ये ठेवलं पाहिजे. आई सुगंधा सर्वोदय आईनी आपल्याला मुलाला जन्म दिला आणि भिक्खू बनवलं हा चांगला संस्कार दिलेला आहे आणि भिक्खू बनवल्यामुळे त्यांच्यावर जो चांगला संस्कार पडलेला आहे त्या चांगल्या संस्कारातून आज त्यांनी आपल्या एवढ्या मोठ्या भिक्खू संघाला बोलावलेला आहे, दान धर्म केलेला आहे. गेल्या 2003 पासून ते सातत्यानं आपल्या आईचं पुण्यानुमोदन करतात. आपल्या विहारामध्ये आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की 2003 त्यांच्या मातोश्री गेल्या आणि तेव्हापासून आईचं स्मरण ते करतात. भिक्खू जरी असलं तरी आईच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करतात. आईची जी काही 4 महाभूत आणि 5 बदान स्कंद जे निसर्गामध्ये विलीन झालेले आहेत
त्या मातेला सुगती प्राप्त करण्यासाठी त्यांची बुद्धाबद्दल, धम्माबद्दल, संघाबद्दल श्रद्धा आहे. जर संघाबद्दल किंवा बुद्धाबद्दल, धम्माबद्दल जर श्रद्धा नसती तर त्यांनी आपल्या आईचं पुण्यानुमोदन विधी केला नसता. परंतु त्यांची दृढ श्रद्धा आहे, भिक्खू संघावरती दृढ श्रद्धा आहे, बुद्धांनी सांगितलेल्या धम्मावरती श्रद्धा आहे, संघावरती श्रद्धा आहे, आणि म्हणून त्यांना आणि कर्म जो सिद्धांत सांगितलेला आहे तो कर्म सिद्धांतावरती सुद्धा त्यांची श्रद्धा आहे. आणि म्हणून त्यांनी या सुंदर अशा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. आणि म्हणून आपण ही गोष्ट ध्यानामध्ये मनामध्ये ठेवली पाहिजे की जिथे जन्म आहे तिथे मृत्यू आहे. आपण पाहतो की किसा गौतमीचं दुःख कथा आपल्याला माहिती आहे, पटाचारीची कथा आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, अनेक वेळेला आपण प्रवचनातून वेगवेगळ्या माध्यमातून ऐकतो की किसा गौतमीच्या संदर्भामध्ये आपण पाहतो की किसा गौतमीचं एकुलतं एक बाळ जेव्हा वारते आणि ती भगवान बुद्धाच्या चरणावरती घेऊन जाते आणि म्हणते भगवान या बाळाला जीवदान द्या, औषध द्या, काही करा, परंतु भगवंत या बाळाला जीवदान द्या, औषध द्या. म्हणून जेव्हा ती भगवंताकडे घेऊन जाते तर भगवान बुद्धाला तिचं सांत्वन करायचं होतं. तिला जगामध्ये मृत्यू आहे, जिथे जन्म आहे मृत्यू आहे, हे तिला सांगायचं होतं, दाखवायचं होतं. म्हणून भगवान बुद्धाने तिला समजूत घालण्यासाठी म्हटले, जा बाई, अशा घरच्या मुठभर मोऱ्या घेऊ नये की ज्या घरी मृत्यू झाला नाही आहे अशा घरच्या मुठभर मोऱ्या घेऊ नये. आणि मग तिला वाटलं सो तू साधं काम आहे, सोपं काम आहे. तिनं आपल्या बाळाला घेतलं आणि दारोदार घरोघर फिरू लागली ती की ताई मला मुठभर मोऱ्या द्या. मुठभर मोऱ्या जेव्हा तिच्या हातामध्ये ठेवू लागतात तेव्हा ती विचारते तुमच्या घरामध्ये कुणी मृत्यू पावलं का? तर अनेक जण लोक सांगतात की कुणी म्हणते माझी आई मिळली, कुणी म्हणतात वडील मेले, कुणी सासू, कुणी सासरा, कुणी मुलगा मुलगी. अनेक लोक प्रत्येकाच्या दारोदार जेव्हा फिरते तेव्हा तिला एक सत्य जगातलं कळतं की जगामध्ये प्रत्येक घरी कुणी ना कुणी मृत्यू पावलेला. हे सत्य जेव्हा तिला कळतं तेव्हा तिला असं वाटतं की मला जे झालेलं दुःख आहे, जसं इतरांच्या कुटुंबामध्ये इतरांच्या घरी जसा मृत्यू झालेला आहे तसा माझ्या पण घरी मृत्यू झाला आहे, माझं पण बाळ गेलं आहे, आता मला माझ्या बाळाचं दुःख नको, आता माझ्या बाळाबद्दल शोक नको, आता माझ्या बाळाबद्दल म्हणजे पश्चाताप नको, आता मला जे काही दुःख झालेलं आहे ते दुःख निवारण्याचा भगवान मला मार्ग सांगा. बाळाला घेऊन गेली, स्मशानामध्ये दफनविधी केली, भगवान बुद्धाकडे आली आणि भगवान बुद्धाला म्हणाली, भगवान मला जे दुःख झालेलं आहे, जो शोक झालेला आहे, जो पश्चाताप होत आहे, त्याबद्दल मला निवारण्याचा मार्ग सांगा. भगवान बुद्धांनी तिला शांत बसवलं, ध्यानाला बसवलं, अनापानसतीची भावना करायला लावली. अनापानसतीची भावना करत करत तिला चार आर्य सत्य सांगितले, आर्य अष्टांगिक मार्ग सांगितला, तिचं जीवन बदललं. आणि बदलून तिनं सुद्धा असं म्हणाले की भगवान मला पण प्रवचित करा. बघा किसा गौतमी भिक्खुनी झाली, आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तनशील बनवलेलं आहे. आणि म्हणून दुःख ज्याला ज्याला कळतं त्याच्या चित्तामध्ये परिवर्तनशीलता येते आणि परिवर्तन हे जीवनाचा धम्माचा मार्ग असतो. आणि म्हणून आपण सुद्धा जर अंधश्रद्धेमध्ये, बुवाबाजीमध्ये, कर्मकांडामध्ये धम्माच्या विरुद्ध विसंगत आचरण करण्यामध्ये जर असेल तर आपण आपल्या चित्ताचं मनाचं परिवर्तन केलं पाहिजे. आणि परिवर्तन हे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या सर्वांचं मन परिवर्तन केलं आहे, आपल्याला धम्माची दीक्षा दिली आहे. आणि म्हणून धम्माची दीक्षा दिल्यानंतर आपलं सर्वांचं परम कर्तव्य आहे की किमान आम्ही आठवड्यातून एक दिवस तरी या बुद्धविहारामध्ये आलं पाहिजे, वंदना घेतली पाहिजे, ध्यानही केलं पाहिजे, ग्रंथ वाचत असतील भंतेजी भिक्खू संघ तर धम्म प्रवचन ऐकलं पाहिजे, ग्रंथ वाचन ऐकलं पाहिजे आणि आपण धम्म आचरण केलं पाहिजे. ज्या ज्या लोकांनी धम्म आचरण केलं ते लोक चांगले बदललेले आहेत. भंतेची आई धार्मिक असल्यामुळंच तिनं आपल्या मुलाला पुत्राला दान दिलं आणि ती माता बघा धम्मदया चाललेली आहे. म्हणजे जे जे लोक आपल्या जीवनाला आपली माता मुलगा मुलगी दान देतात ते माता पिता धम्मदयाळू होत असतात.
जसं सम्राट अशोकाने आपला पोटचा पुत्र आणि महेंद्र आणि संघमित्राला दान दिले ते धम्माचे सखे झाले, धम्माचे दया झाले. आणि म्हणून आपण जे जी माता आपला पोटचा पुत्र पुत्री धम्माला दान देत असतात ते माता धम्म दयात होत असतात. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं आपण धम्म दयात होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या मातेनं आपला मुलगा धम्माला दान दिल्यामुळं ती माता धम्म दया झाली. आणि बौद्ध इतिहासामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीमध्ये जेव्हा केव्हा हा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा अशा या मातेनं आपला मुलगा दान दिला आणि समाजाला संघाला अर्पण केला हा इतिहास आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं आज आपण या निमित्तानं धम्म आचरण केलं पाहिजे, विहारामध्ये येत राहावं, बुद्ध धम्म संघाबद्दल श्रद्धा वाढवावी, दान पुण्य कर्म करत राहावं, धम्मग्रंथाचं वाचन करत राहावं आणि सदोदित आपलं जीवन मरणधर्मी आहे असं म्हणून आपण धम्म आचरण करत राहावं. आपल्या मुलावरती मुलींवरती चांगले संस्कार टाका, ज्या संस्काराने आपल्याला मोक्याच्या माऱ्याच्या जागा पटकवता येतील, शिक्षण देता येतील, आपलं सारं गोर गरिबी लपतर सारे दूर झाले पाहिजेत. आणि आपला मुलगा आपली मुलगी IAS ऑफिसर झाली पाहिजेत. अशा पद्धत शिक्षण देऊन आपल्याला जे आपल्या वाट्याला जे दुःख आलं, आपल्या वाट्याला जे कष्ट आले, आपल्या वाट्याला जी दैन्य अवस्था आली ती भविष्यामध्ये आपल्या मुलांच्यावरती मुलीवरती आपल्या परिवारावरती येऊ नये. म्हणून चांगलं शिक्षण द्या, चांगला संस्कार द्या आणि चांगल्या संस्कारामध्ये निश्चित चांगले माणसं घडतात. आणि आपल्याला माहिती आहे की थोड्या मोठ्यांचा इतिहास आहे की ज्या ज्या परिवारामध्ये धार्मिकता जोपासल्या झाली गेली, ज्या ज्या लोकांनी चांगल्या प्रकारचं धम्माचरण केलं, शिक्षण केलं, ते लोक मोठे झालेले आहेत. आणि म्हणून आपणही आपल्या मुलाला मुलीला चांगलं बनवा. आजच्या या दिनी वेळेच्या अभावी एवढीच मंगलकामना सद्भावना व्यक्त करून आपण पुन्हा एकदा 22 प्रत्ययांचं पालन करण्याचं आव्हान या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि आशीर्वाद गाथा घेऊन इथलं एक छोटंसं धम्म प्रवचन मी इथे समाप्त करतो. सबिंतिवो विवजन्तु सपरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सौखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सौखी भवतु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सौखी भवन्तु ते. पूजनीय भिक्षु संघ का धम्मदेशना संपन्न हुआ. सुबह से परित्राण करते हुए भोजन दान देते हुए बहुत सारा पुण्य संचय किया. इस पुण्य के अनुभव से विशेषतः जिस उद्देश्य से ये पुण्य कर रहे हैं श्रद्धावान उपासक आनंद भाई, उनको सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो. और जो भी ये पुण्य किया इस पुण्य के अनुभव से आनंद भाई उपासक को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए पुण्यानुमोदन करेंगे. हाथ जल दान कीजिए. हाँ बोले साधो 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 इदंगो ज्ञातिनं होतो सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदंगो ज्ञातिनं होतो सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदंगो ज्ञातिनं होतो सुखिता वन्तु ज्ञातयो एता
वताचम्मे संबदं पुण्य संबदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धया एतावता चम्मे संबदं पुण्य संबदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धया एतावता चम्मे संबदं पुण्य संबदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धया अनिच्छावत संकारा उपादवयतम् उपजित्वा निरोजन्ते तेषाम् उपशमो सुखो अनिच्छावत संकारा उपादवयगम्यनो उपजित्वा निरोजन्ते तेषाम् उपशमो सुखो अनिच्छावत संकारा उपादवयगम्यनो उपजित्वा निरोजन्ते तेषाम् उपशमो सुखो ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि को नमन करता हूं तम्मं नमामि तम को नमन करता हूं संघं नमामि संघ को नमन करता हूं